आज की सेकेंड मूवी थी हिट। अब ये हिट जो मूवी है ये हिट है या फ्लॉप है इसी बारे में बात करूंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली बात कि अगर जिन भी लोगों ने हिट मूवी देख रखी है पहले से 2020 वाली और अगर वो इस हिट मूवी को देखने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो भाई पहले बता दे रहा हूँ आपको सिर्फ फेस रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा। अभी अगर आप चाहो तो ये रिव्यू छोड़ करके जा सकते हो। और जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरे जैसा, मैंने रियल हिट नहीं देखा है। और जहां तक कि मेरी बात है तो इस हिट को देखने से पहले मैंने सोचा ओरिजिनल अगर अवेलेबल है तो देख लेता हूं। तो मैंने Amazon Prime पे जाकर के देखने की कोशिश की और उसके बाद से जैसे-जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही थी मैंने बोला पॉज मारते हैं क्योंकि स्टोरी काफी अच्छी लग रही है, तो अभी जाकर के अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में देख लेते हैं क्योंकि हिंदी में तो अवेलेबल है नहीं। तो चलो आते हैं इस मूवी के ऊपर मैं हिंदी द फर्स्ट केस क्या कर रहा हूं, दोनों मूवी का नाम टाइटल सेम ही है, हिंदी द फर्स्ट केस, हिंदी द फर्स्ट केस। सो इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे राजकुमार राव, सानिया मल्होत्रा, दिलीप जो कि काफी समय के बाद में आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा शायद उसका नाम मिलिंद है जो कि देवदास में भी था। इसके अलावा एक फेवरेट गाना है ये तेरी आंखें झुकी झुकी फरीफ फिल्म में भी था, तो भाई काफी टाइम के बाद उनको देखने को मिला है। चलो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कहानी एग्जैक्टली किस बारे में है। कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि बीच रास्ते में अपने गाड़ी को लेकर के फंस जाती है और अपना फोन जो है वो घर पे भूल जाती है और जिसकी वजह से वो किसी से हेल्प नहीं मांग पा रही होती है। वहीं से गुजरता है एक पुलिस ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर उसको देख करके कहता है कि क्या मैं आपको आपका घर छोड़ दूं, लेकिन वो लड़की उसे ना कहती है। अब उसके बाद से वो उसके फोन से फोन करती है, अपने डैड को बुलाती है और उसके बाद से पता चलता है कि वो लड़की गायब हो चुकी है, वो वहां से कहीं गई ही नहीं। अब स्टोरी एक तरफ ये चल रही होती है। वहीं पे अगर बात करें राजकुमार राव की तो राजकुमार राव जो है अपनी एक बीमारी से जूझ रहे, एक इंसिडेंट उनके लाइफ में हुआ है जिसके बाद से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगे और उनकी जो साइकेस्ट्रिक है मतलब उनकी जो डॉक्टर है उनका कहना होता है कि तुम अपने काम से ब्रेक ले लो क्योंकि तुम एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, तुम्हारे काम पे हर बार जो है खून खराबा लाश देखना पड़ता है तो इससे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। अब उस ब्रेक के बावजूद जो है राजकुमार राव को बुलाया जाता है केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसके बीच में यह पता चलता है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है सानिया मल्होत्रा वो भी गायब हो चुकी है। अब भाई ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगा, इसके अंदर मर्डर किसने किया, किसने किडनैप किया, क्यों किया, मोटिव क्या है, बहुत ही जटिल सी कहानी है। मतलब कहानी ऐसी है कि आपको फिल्म के आखिरी फ्रेम तक आपको उलझा करके रखेंगे कि भाई आप जोर लगा लो कितना जोर लगा सकते हो, लेकिन वो चीज जैसे मेंटेन किया जाता है फिल्म के आखिर तक वो एकदम सा ऑसम है। और इस फिल्म का रीमेक तो भाई बनता है जब यहाँ पे दृश्यम का कॉपी करके अजय देवगन ले आए, उस वक्त में कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हिट मूवी जो है एक रीमेक बन करके आई तो भाई क्यों देखेंगे रीमेक बना दिया। हाँ ठीक है यार, मैं भी कहता हूँ बॉलीवुड के बारे में, लेकिन खुद ही रियलाइज हुआ कि अगर हम ऐसे नेगेटिव ही बोलते रहेंगे तो फिर यार बॉलीवुड की तरफ से एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाएगा। तो भाई अब धीरे धीरे अप्रिशिएट करना सीखो यार, अगर वो रीमेक बना रहे हैं और वो रीमेक अगर एक अच्छा अटेम्प्ट है तो देख लो, और जो भी ओरिजिनल मूवी आती है ना उसको बॉयकॉट करना बंद करो यार। ना बॉयकॉट हर किसी को, सलमान की मूवी को, रणवीर की मूवी को, हर किसी को बॉयकॉट करोगे तो देखोगे क्या यार, ये बताओ। एक तो देखोगे दूसरे रीजन की, दूसरे जगह की मूवी को और उसके बाद से बोलोगे अपनी मूवी गंदी है, जब अपनी मूवी देखनी नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। अब लोग कहेंगे मेरे को पैसा आना शुरू हो गया, मेरे को पैसा मिलना शुरू हो गया इसलिए मैं बॉलीवुड का साइड ले रहा हूँ। बहुत पैसे आते, इतने पैसे आते कि कॉर्पोरेट में घिस घिस करके काम करता हूँ और वीक ऑफ में जाकर के मूवी देख। ओके, मैं टॉपिक से भटकने लग गया हूँ, आता हूँ वापस फिल्म के ऊपर में। अब बात अगर डायरेक्शन की करें तो भाई सेम डायरेक्टर है जिसने ओरिजिनल बनाया था उसने रीमेक भी बनाया है, तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, वो भी एक मास्टरपीस थी तो ये भी एक मास्टरपीस है। बस अगर आपके लिए लैंग्वेज बैरियर है कि आप भाई सबटाइटल के साथ नहीं देखना चाहते हो तो ये मूवी जरूर देखना क्योंकि इसके अंदर में राजकुमार राव ने अपना परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त दिया है। सानिया मल्होत्रा देयर इज नो डाउट वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, वहीं पे साथ साथ जो भी स्टार कास्ट है वो सब के सब एकदम जबरदस्त है। तो आप ये उम्मीद ही मत रखना कि भाई ये तो रीमेक है इसमें क्या ही देखने को मिलेगा, मतलब क्या बसर मचाया होगा, बच्चन पांडे जैसा ना हो जाए, ऐसा नहीं है ठीक है। बहुत अच्छी है फिल्म, आप जाकर के जरूर देखो यार। डायरेक्शन एकदम फाड़ है, वहीं पे स्क्रीन प्ले एकदम सा टाइट इंगेजिंग, आप एकदम लगे रहोगे क्या चल रहा है, कहां तक पहुंचा, क्यों हो रहा है, एकदम लगे हुए रहोगे। सो ओवरऑल अगर बात की जाए स्टोरी एकदम कड़क है, डायरेक्शन एकदम फाड़ है, स्क्रीन प्ले लाजवाब है, वहीं पे परफॉर्मेंस फाड़ ही फाड़ है, तो आपका पैसा एकदम सा वसूल होने वाला है। अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखा तो ये मूवी जाकर के देख लो। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी, व्हाट्स योर टेक प्लीज डू कमेंट। अगर आपने देख लिया तो बताओ यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के कि आपको कैसा लगा, और राजकुमार राव को क्या रीमेक पे काम करना चाहिए, रीमेक का काम तो वो जानो। That's it. यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। और हाँ, वीडियो को लाइक करके जाओ यार, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो यार, थोड़ा चैनल को ग्रो करवाओ, कमेंट करके एंगेजमेंट बढ़ाओ, क्या है कुछ भी। तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगा के, मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या, तेरा नाम चूतिया रख दूं।